हनुमान जयंती के बारे में पूर्व में ही सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए थे। बीते दिनों रामनवमी और अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती तथा गुड फ्राइडे इत्यादि पर्व बहुत ही सकुशल तरीके से लोगों के सहयोग से आपसी भाईचारा के साथ मनाया गया था। आज जैसे ही ये दिल्ली में घटना हुई है, शासन के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी तेजी लाएं। इसके साथ ही साथ लोग पेट्रोलिंग करें और संवेदनशील जगहों पर आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन करें और पीएसी का भी व्यवस्थापन करें, विशेषकर जो हमारे दिल्ली से सटे इलाके हैं। दिल्ली पुलिस के साथ हमारा लगातार रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। गाज़ियाबाद पुलिस, बागपत की पुलिस तथा मेरठ जोन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी यहाँ कहना आवश्यक होगा कि किसी भी तरीके से यहाँ कोई डिस्टर्बेंस होने नहीं दिया जाएगा और उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश शासन के द्वारा दिए गए। सर, ऐसी अगर कोई घटना होती है तो उसके बाद देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे कई लोग और खास करके एंटी सोशल एलिमेंट बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जगह जगह पे अफवाह फैलाते हैं या और जो उन्माद फैलाने की उनकी कोशिश रहती है, तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग किस तरह से करी जाएगी? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हमारी पूरी 24 घंटे यहाँ चलती रहती है। कोई भी गलत सूचना जैसे ही आता है हम फैक्ट चेक हैंडल से उसको डिनाई करते हैं और ऐसे लोग जो कि रूमर फैलाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं। तो हमारी सोशल मीडिया टीम भी लगातार अलर्ट मोड में है और हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि लोगों के सहयोग से और हमारी इसके अतिरिक्त जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनको भी हम लोगों ने एक्टिव किया है कि कहीं भी अगर किसी तरह की कोई सूचना मिलती है तो वो पुलिस के साथ शेयर करें और हम लोग उस पर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, आपने जैसे कहा कि पूर्व में जो भी त्यौहार हुए उससे कुशल उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुए, अभी आने वाले दिनों में भी त्यौहार आ रहे हैं, ईद है, अलविदा है, उसके अलावा भी और भी त्यौहार, तो उसमें एक कम्युनल हार्मनी बनी रहे तो उसके लिए और क्या अलग से गाइडलाइन या जो जिस दिन वो इवेंट होगा तो वहाँ पर कुछ अलग से डिप्लॉयमेंट होगा? यहाँ पर शासन के पूर्व से ही निर्देश हैं कि परंपरागत तरीके से सभी त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और हम लोग आगे भी आने वाले त्यौहार जो परंपरागत तरीके से होते हैं पूरी हर्षोल्लास से मनाया जाएगा तथा ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि समाज के सभी वर्ग मिलके पर्व त्यौहार मनाएं और इसमें हम लोग समाज के व्यक्तियों का, धर्म गुरुओं का और सभी विशिष्ट व्यक्तियों का हम सहयोग लेते हैं और ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित कराएंगे कि सभी जैसे अभी तक पिछले 5-5.5 साल में सभी पर्व त्यौहार गुजरे हैं, आगे भी हम किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होने देंगे।